आग में दहकते जंगल, सैलाब में बहते मकान और तूफानों में लिपटी दुनिया, ये सब बता रहे हैं कि कुछ भी सेफ नहीं। क्लाइमेट चेंज से बदलती दुनिया तबाही की तरफ बढ़ रही है। यही वजह है कि पूरी दुनिया कार्बन एमिशंस को कम करने के लिए रीन्यूएबल एनर्जी की डिमांड कर रही है, और बिना विंड एनर्जी के ऐसा मुमकिन नहीं। हालिया जायजों के मुताबिक दुनिया भर में सिर्फ 5% एनर्जी विंड टर्बाइन से बन रही है, मगर 2050 तक विंड एनर्जी पूरी दुनिया को 30% क्लीन बिजली मुहैया कर रही होगी, जिससे विंड टर्बाइन इंडस्ट्री का मुस्तकबिल वाजे तौर पर रोशन दिखाई देता है। लेकिन हकीकत ये भी है कि विंड टर्बाइन को डिजाइन करने से इंस्टॉल करने का सफर चैलेंजेस से भरा हुआ है। लॉर्ड गिज़्मो के स्पेशल एपिसोड में आपको खुशामदीद। ये कंस्ट्रक्शन साइट यूरोप में कहीं वाके है। यहाँ वर्कर्स लैंड के मुख्तलिफ टेस्ट कर रहे हैं। अगले चंद हफ्तों तक इन्हें इस जगह रहकर विंड टावर की फाउंडेशन तामीर करना होगी। इस तरह के स्ट्रक्चर को ऑक्टोगोनल कोर कहा जाता है। हर ऑक्टोगोनल कोर तीन हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। सबसे पहला हिस्सा बेस मैट होता है, जिसे कंक्रीट कहा जाता है, ताकि टावर के वजन से ये जमीन में ना धंस सके। दूसरे हिस्से को टॉप मैट कहते हैं। ये स्टील का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें अमूमन 37,50,000 पाउंड्स वजनी स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। दरमियान में कॉलम के लिए स्टील के एक रिंग को रखा जाता है, जिसे कॉलम पेडेस्टल कहते हैं, और ये फाउंडेशन का आखिरी पार्ट होता है। Now the structure is ready to be filled with concrete. अब ये फाउंडेशन कॉन्क्रीट के लिए रेडी है। एक आम विंड टर्बाइन की फाउंडेशंस के लिए तकरीबन 250 क्यूबिक मीटर कॉन्क्रीट इस्तेमाल होती है। ये फाउंडेशन अब पूरी तरह तैयार है। मगर विंड टर्बाइन के ब्लेड्स को अभी और कई टेस्ट पास करने हैं। एक एवरेज ब्लेड 40 से 90 मीटर लंबा होता है। हेलाइड एक्स दुनिया के सबसे बड़े विंड ब्लेड्स हैं, जिनकी लेंथ 107 मीटर है। कंपनीज को हर ब्लेड की स्ट्रेंथ यकीनी बनाने के लिए उन पर कई स्ट्रेंथ टेस्ट करने होते हैं। एक एवरेज ब्लेड पर तकरीबन 16 अफ्रीकन हाथियों जितना वजन रखा जाता है। ये टेस्ट कई सौ बार तक किया जाता है। आप फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट साइकिल्स के काउंटडाउन को देख सकते हैं। यह हमेशा 3 मिलियन से शुरू होता है। आखिरी मरहले में हर ब्लेड को एज वाइज स्टैटिक टेस्ट में पास होना होता है, जिसके बाद विंड ब्लेड को साइट पर इंस्टॉलेशन के लिए भेज दिया जाता है। मगर साइट पर ले जाना भी किसी चैलेंज से कम नहीं। हर कंपनी 100% डैमेज फ्री डिलीवरी के लिए जदीद ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करती है। इस दफा ये जिम्मा डॉल सिस्टम्स ने लिया है। ये कॉम्पैक्ट ट्रक खास तौर पर विंड ब्लेड्स जैसे सुपर लोड्स को मुंतकिल करने के लिए बनाया गया है। डॉल सिस्टम्स का दावा है कि ये ट्रक 120 मीटर लंबे किसी भी सुपर लोड को आसानी से
सही तरह खड़ा हो जाता है तो एक बड़ी क्रेन निसेल को उठा लेती है। निसेल विंड टरबाइन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें जनरेटर, गियरबॉक्स और ब्रेक असेंबली होती है। आप देख सकते हैं कि वर्कर्स रस्सियों की मदद से निसेल को एक तरफ खींच रहे हैं ताकि हवा के दबाव से ये लोड न झूल सके। विंड टरबाइन के इस पार्ट को रोटर हब कहते हैं। ये हिस्सा ब्लेड्स को निसेल से जोड़ता है। वर्कर्स निसेल में बैठकर इसे जनरेटर के साथ अटैच करते हैं। आखिर में सिर्फ विंड प्लेट को जोड़ना बाकी है। हर ब्लेड का काम होता है ज्यादा से ज्यादा हवा से मैकेनिकल एनर्जी जनरेट करना। ये मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर से होकर बिजली में कन्वर्ट हो जाती है। विंड टर्बाइन्स की खास बात ये भी है कि ये दिन रात काम करते रहते हैं और इनको साहिलों के करीब सबसे ज्यादा मौजूद समझा जाता है। आप इस बात का अंदाजा यूं लगाएं कि पाकिस्तान की टोटल पावर प्रोडक्शन सिर्फ 35,000 मेगावाट के आसपास है, मगर एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के सिर्फ कोस्टल एरियाज से लगभग 43,000 मेगावाट एनर्जी पैदा की जा सकती है। और क्या आपने कभी सोचा है कि एक विंड टरबाइन के सिर्फ 3 पर या ब्लेड क्यों होते हैं? इसका जवाब जानने के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। हम ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।